एक सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं? क्या एक प्रधानमंत्री की जुबान से ऐसी वाणी उचित लगती है? क्या अब राजनीति में राज करना ही सबसे सर्वोपरि मूल्य माने जाने लगा है? महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो चली हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को महाराष्ट्र का दौरा किया। उन्होंने मुंबई, ठाणे और वाशिम में 56,000 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुंबई में पीएम ने बीकेसी से आरए जीवीएलआर तक चलने वाली मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई। फिर बीकेसी से सांता क्रूज मेट्रो स्टेशनों के बीच मेट्रो में सफर किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों, महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना के लाभार्थियों और अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन के निर्माण में शामिल मजदूरों से बातचीत की। पीएम के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाणे और वाशिम में रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ठाणे में कुछ ऐसा कह दिया जिसे अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। आज कांग्रेस के असली रंग खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। पूरी दुनिया में जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, कांग्रेस अब खुलकर उनके साथ खड़ी है। इसलिए अपनी घोर असफलताओं के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बरसना एक बात है, लेकिन शब्दों का चुनाव एक बात है। पीएम के ये शब्द कि हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, जश्न मनाएंगे, अब इन शब्दों की जमकर आलोचना की जा रही है। राजनीतिक जानकार पीएम के इस बयान को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान से जोड़कर देख रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। खैर, राजनीति में गिरती शब्दों की गरिमा एक गंभीर चिंता का विषय है। पीएम ने वाशिम में कहा कि कांग्रेस सोचती है कि अगर हम सभी एकजुट हो जाएंगे तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। कांग्रेस की सोच शुरू से ही विदेशी रही है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह कांग्रेस परिवार भी दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को अपने बराबर नहीं समझता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि हाल ही में दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। एक कांग्रेस नेता ड्रग्स रैकेट का सरगना है। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेल कर मिलने वाले पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है। दरअसल दिल्ली के महरौली में 2 अक्टूबर को 560 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई। बाजार में इसकी कीमत करीब 5600 करोड़ है। इसका मुख्य आरोपी तुषार गोयल 2022 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। आरोपी की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी आरटीआई सेल चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस लिखा हुआ है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिम में किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त भी जारी की। इसके अलावा ठाणे में इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना की नींव रखी। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो में सफर किया। पीएम की यह तत्परता इसी ओर इशारा कर रही है कि महाराष्ट्र में कुछ ही वक्त के बाद में चुनावी तारीखों का ऐलान किया जाना है। एसीआई की तरफ से मानो जिस घड़ी की घड़ी टल रही है। ऐसे में पीएम मोदी अपनी पार्टी बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में अभी से ही सियासी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि हमारे देश में जब जब चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे नेताओं के शब्दों की गरिमा गिरती चली जाती है। पिछले चुनाव के मुजरा और मंगलसूत्र शब्द तो आपको याद ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।